हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट लाया हूँ उसकी मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करूँगा। वैसे ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी बेशुमार, बट जब मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा था तब मैंने भी थोड़ी रिसर्च की और यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज़ देखी, बट जो सवाल मेरे दिमाग में था उससे रिलेटेड मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर मेरे को जो सवाल थे वो आपके दिमाग में भी है और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा तो शायद इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाए। पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे क्या है, बट स्टिल दिखाना बनता है बॉस। तो ये है एक आपने नाम सुना होगा सिमटेक, बहुत मशहूर है आपका, जो हमारी बाइक्स हैं उसमें हैजार्ड फ्लैशर्स के लिए और उसमें 20-25 किस्म के पैटर्न्स होते हैं, खैर काउंटिंग तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और साथ में है ये एलईडी बल्ब्स, और मेरे पास जो बाइक है वो है पल्सर 220, तो उसमें लगेंगे क्रॉस पिन वाले बल्ब्स। तो जब भी आप अपनी बाइक के लिए मंगाएं तो पहले एक बार देख लें कि कौन सी पिन है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है बॉक्स में। देखिए चार तो बल्ब हैं। क्रॉस पिन का मतलब हुआ कि ये आमने सामने नहीं होंगी पिन्स, एक ऊपर होगी तो एक थोड़ी सी नीचे होगी। तो ये तो हो गए हमारे एलईडी बल्ब्स। साथ में है इसके ये एक वारंटी कार्ड, और ये है हमारा फ्लैशर का मॉड्यूल, ये है हमारा मॉड्यूल फ्लैशर का। कपलर टू कपलर आता है तो कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं होती। साथ में इसके ये स्विच आता है जो ऑन ऑफ का है, और नीचे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल थे मेरे दिमाग में जो जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। पहला सवाल है कि ये है एलईडी बल्ब्स और जो हमारी बाइक है उसमें नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स हैं। तो होता क्या है कि एलईडी बल्ब्स लेती हैं कम पावर, उसके बाद आ जाती है हाइपर फ्लैशिंग, मतलब जल्दी जल्दी फ्लैश करेगा। जब आप चारों इंडिकेटर चलाओगे तब तो वो हाइपर फ्लैशिंग आएगी नहीं, बट जब आप लेफ्ट का या राइट का इंडिविजुअली आप सिग्नल दोगे तो हाइपर फ्लैशिंग आ जाती है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल लगाने के बाद इंडिविजुअल लेफ्ट या राइट करने पे वो हाइपर फ्लैशिंग आती है कि नहीं। दूसरा, जब आप पल्सर 220 के लिए ये फ्लैशर खरीदोगे, इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा जिसमें इंडिकेटर ऑटो कट जाता है, अगर जैसे आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, आपने लेफ्ट मुड़ के आप सीधे करा आपने हैंडल तो अपने आप इंडिकेटर्स बंद हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन थे, एक तो ऑटो कट वाला, एक विदाउट ऑटो कट वाला। मगर जो इनकी वेबसाइट थी उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था कि अगर हम बिना ऑटो कट वाला अगर हम अपनी ऑटो कट वाली बाइक में लगा देते हैं तो क्या इशू आएगा। और ऑटो कट वाला जो है वेबसाइट पर था भी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था, बट मुझे चाहिए था तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेरी बाइक में ऑटो कट है तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं ये लगाता हूँ बिना ऑटो कट वाला, और जो ऑटो कट का मॉड्यूल एक छोटी सी एक कनेक्शन होता है हैंडल के उसमें टी में, अगर मैं उसे निकाल देता हूँ, डिसकनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या ये फ्लैशर काम करेगा कि नहीं। तो ये दो सवाल है मेरे मेजर, एक हाइपर फ्लैशिंग का और एक ऑटो कट का, अगर मैं तार निकाल दूँ तो ये मॉड्यूल काम करेगा कि नहीं। तो चलिए पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। पहले मैं बल्ब लगाता हूँ, बल्ब लगा के आपको दिखाता हूँ कि हाइपर फ्लैशिंग बेसिकली है क्या, और उसके बाद ये मॉड्यूल लगाएंगे। मॉड्यूल लगाने के बाद देखेंगे हाइपर फ्लैशिंग होती है कि नहीं होती, और वो ऑटो कट वाला मसला इसमें आता है कि नहीं आता। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है बल्ब चेंज करना। नीचे इसके एक होल है, चार इसमें प्लस वाला स्क्रू लगे हुए हैं। ये हमारा इंडिकेटर खुल गया, ये जो देख रहे हो आप, ये तेज तेज ब्लिंक कर रहा है, इसे कहते हैं हाइपर फ्लैशिंग। मतलब जो नेचुरल एक रिदम होता है ऑन ऑफ का, तो ये तेज़ हो जाता है क्योंकि वोल्टेज एलईडी वाले बल्ब लेते हैं कम। ये देखिए तेज़ तेज़ हो रहा है ना,
तो ऐसे ही अब पहले चारों बल्ब चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम इस मॉड्यूल को लगा के। ये देखिए बल्ब भी पीछे वाला तेज तेज ब्लिंक करने लग गया क्योंकि आगे लोड कम है। तो लेट्स सी मॉड्यूल लगा के क्या होता है। अब इस टाइम जो हमारा ये वाला इंडिकेटर है, इसमें लगी है एलईडी और इसमें लगा है बल्ब, तो ब्राइटनेस चेक करते हैं। भाई ये वाला जलाना, इसकी ब्राइटनेस देखो आप और दूसरे वाले की इसकी ब्राइटनेस देखो आप। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई मॉड्यूल लगाते हैं हमारा हैजार्ड फ्लैशर वाला, तो एलईडी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसाइज होती है। ऐसे ऐसे ये स्लोली स्लोली बंद खुल होता है और ये पट पट करके बंद, ये देखिए। तो इस वजह से एलईडी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट लगता है और थोड़ी इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है तो दूर तक दिखता है। ये जो आपका ये वाला मॉड्यूल है, ये है इसमें लिखे, इसमें है 9 पिन्स हैं। और जो इस बाइक में है, खोलना भाई ये वाला, ये है 6 पिन का। तो ये इसमें कंपैटिबल नहीं हो पा रहा, जबकि ये भी 220 ही है। 220S आया था बीच में, 220F नहीं है, S आया था विदाउट फेयरिंग, इसमें फेयरिंग नहीं थी, नॉर्मल हेडलाइट थी। तो अब आप देखो इसका मेरे को क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जो आपने देखा एलईडी बल्ब हमने इंस्टॉल कर दिए, क्या इनकी ब्राइटनेस है, बट मसला एक हुआ कि जो मैंने ये फ्लैशर मंगाया है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑटो कट वाला मसला जो है, तो इसकी जो वायरिंग है वो फ़र्क है मेरी बाइक की वायरिंग से, तो वो प्लग एंड प्ले नहीं हो पा रहा। ये आप देख सकते हैं B4 है, B4। और जो ये आपको मैं एक और मॉड्यूल दिखाता हूँ, ये है B3। तो मेरी बाइक में जो कंपैटिबल हो पा रहा है वो है B3। तो अब मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाया था, बट उनके थ्रू मैंने काफ़ी अच्छा इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है या कॉल सेंटर कह लो, कस्टमर केयर कह लो, बहुत रिस्पॉन्सिव है। उन्होंने मुझे दिल्ली में ही बता दिया कि आप फला फला जगह जाओ, करोल बाग में आपको ये शॉप है PGX ऑटो एक्सेसरीज करके करोल बाग में, आप यहाँ आ सकते हो, आपको यहाँ भी मिल जाएगा ये मॉड्यूल किसी भी बाइक का, ऑलमोस्ट ये ऑथराइज डीलर्स हैं दिल्ली में। और ये B3 करके है फॉर माई बाइक, तो ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा और फिर मेरी बाइक का हैजार्ड जो है वो काम करने लग जाएगा। बस मुझे ये चेक करना है कि जो वो हाइपर फ्लैशिंग है वो वाला इशू इसको लगाने के बाद ख़त्म हो जाता है कि नहीं। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि वो इश्यूज़ आता है कि नहीं। तो ये वाला मैं रिटर्न कर दूंगा, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये रिटर्न भेज दो, हाँ कुरियर चार्जेस मेरे ही लगेंगे, मगर उन्होंने कहा हम आपको रिफ़ंड कर देंगे जो भी इसके चार्जेस होंगे। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लगा, व्हाट्सएप पर चैट हो जाती है, कॉल करो तो अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यू कैन, मतलब आप बिना किसी टेंशन के यू कैन गो फॉर दिस वन, दिस ब्रांड। चलिए अब इंस्टॉल कराते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है इंस्टॉलेशन के बाद का सीन। सारा सीन जो है ये देख लो, प्लग एंड प्ले है। साथ में ये स्विच आता है इसके, जल्दी कर दे शुभम। सो फाइनली जो हैजार्ड का मॉड्यूल है फ्लैशर का वो इंस्टॉल हो चुका है। और इसके मैं आपको दो चार फीचर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहला, जैसे कि आपका हैजार्ड का स्विच ऑफ कर रखा है आपने, यहाँ पे देखिए ये इसका ये स्विच है और ये नीचे छोटी सी बटन देख रहे हैं, इसके थ्रू आप जो है इसके जो फंक्शंस हैं, जो भी कह सकते हैं मोड्स हैं, वो चेंज कर सकते हैं। मगर जब समझ लीजिए ये ऑफ है, अभी आपने ऑफ कर रखा है, ऑफ पे छोड़ रखा है, और जब जब आप बाइक को ऑन करेंगे तो ये देखिए कैसे करेगा, जब भी आप बाइक को ऑन करेंगे तो ये इस तरह का फ्लैश मारेगा, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मोड्स हैं।
देखिए ये मोड्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स हैं। ये मोड हो गया, ये मोड हो गया, बेसिकली 20-22 मोड्स हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा मेन कंसर्न था कि जो इंडिकेटर जब हम नॉर्मली ऑन करेंगे तो हाइपर फ्लैशिंग होगी कि नहीं। नॉर्मल राइट या लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करना, देखिए हाइपर फ्लैशिंग है, फ्लैशेस जो हैं तेज तेज चल रहे हैं। तो इस मॉड्यूल में वो वाला फीचर नहीं है कि हाइपर फ्लैशिंग को कंट्रोल करें। अब देखिए, जब जैसे इंडिकेटर ऑफ होगा ना, फ्लैशर्स के जो मोड जिस पर हमने सेट किया हुआ है वो अपने आप ऑन हो गया। ये देखिए, अभी हमने इस पर छोड़ा था तो इस पर ऑन हो गया। ठीक है, बढ़िया चीज़ है, नॉट बैड। और प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वायरिंग कट नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें हाइपर फ्लैशिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब हम नॉर्मली इंडिकेटर्स को टर्निंग के दौरान यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे मेरा चैनल इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, CNG से रिलेटेड है। तो अगर आपको CNG के लिए कोई भी क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।